नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मामला ऐसा है कि अब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भागना लोगों का लाजमी था। दरअसल जिस रेलवे स्टेशन की हम बात करने जा रहे हैं, उस रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और अचानक बाघ की दहाड़ सुनाई देने लगती है। बाघ की दहाड़ सुनते ही जितने भी कर्मचारी होते हैं वो काम छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं, अपने लिए सुरक्षित जगह खोजने लगते हैं। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में बाघ के आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है, लोगों में दहशत है। और ये बाघ जो कि रिहायशी इलाके में पहुंचा, वो नगर रोड रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है, जिसके बाद बाघ को देखने के बाद हड़कंप मच जाता है, हंगामा हो जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पूरा मामला समझिए। तो बिहार के पश्चिम चंपारण का ये मामला है, जहां बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकट में स्थित नगर रोड रेलवे स्टेशन पर बाघ पहुंच जाता है। ये जंगल से बाघ रिहायशी इलाके में जब आता है तो आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल जाता है। दरअसल जैसा हमने आपको बताया, इन कारणों से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं कई रेलवे कर्मचारी बाघ की दहाड़ सुनकर भाग खड़े हुए। ये भी जान लीजिए कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में कई बाघ मौजूद हैं और ये कई बार भटककर लोगों के बीच आ जाते हैं, और कई बार बाघ की चहलकदमी भी इलाके में देखी गई है। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है जब नगर रोड रेलवे स्टेशन पर अचानक बाघ की दहाड़ सुनाई देने लगती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप भी कहीं बैठे हों, कहीं काम कर रहे हों और अचानक आपको बाघ की दहाड़ सुनाई दे या बाघ दिख जाए तो आपकी मनोदशा क्या होगी, आप कितने डर जाएंगे। और यही हुआ है रेलवे स्टेशन पर, जब कर्मचारी अपना सारा सिस्टम छोड़कर भागने लगते हैं जान बचाने की। भाई सबको जहद तो जहद होती है, वो इसलिए भागने लगते हैं कि बाघ आ गया, बाघ आ गया। ताजा मामला वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ स्टेशन परिसर में नवनिर्मित पदाधिकारी आवास की चार दीवारी पर तार में बाघ को दहाड़ मारते देखा गया है, जिसके बाद रेल दोहरीकरण के काम में लगे कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ की चहलकदमी से दहशत का माहौल होना भी है, लाजमी है। दरअसल मुजफ्फरपुर गोरखपुर पर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। समय सीमा पर कार्य पूरा करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बाघ की मौजूदगी को देखकर स्टेशन पर मौजूद कर्मियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से स्टेशन बिल्कुल सटा हुआ है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त यहां बाघ की चहलकदमी देखने को मिली, उस दौरान रेल कर्मी मौके पर अपने काम में लगे हुए थे। दहाड़ की आवाज सुनकर सभी भाग खड़े हुए, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के लोगों में दहशत है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ये बाघ खुले में घूम रहा है, बाघ अगर जंगली क्षेत्र से निकल करके रिहायशी इलाके में शहर के आ पहुंचा है, तो ये बाघ कब कहां जाएगा और किसको अपना शिकार बना लेगा, इसी बात से लोग डरे हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, जब इस बाघ की दहाड़ रेलवे स्टेशन पर लोग सुनते हैं तो भगदड़ का माहौल पैदा हो जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और इसी कारण से आसपास के इलाके में भी दहशत है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इसे लेकर कई दफा आपने तस्वीरें देखी होंगी, खबरें भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, कि कई दफा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास बाघों की चहलकदमी को देखा गया है और इसी कारण लोगों में दहशत का माहौल भी बना रहता है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।